iPad learning app powered by Beacon Light Publication. We were discussing the chapter that is word processor. हम क्या बात कर रहे थे? Word processor में हमने MS Word के बारे में डिस्कस किया था MS Word क्या है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारा MS Word होता है राइट right? उसमें हमने देखा था कि MS Word की जब हम विंडो ओपन करते हैं तो वो हमें कैसे दिखती है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस की भी हम बात कर चुके थे आज हम बात करने वाले हैं फाइल वेन्यू की और हम बात करेंगे अगर किसी चीज को किसी फाइल को हमें सेव करना है क्रिएट करना है या ओपन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो so, ये क्या है ये है हमारा फाइल मेन्यू फाइल मेन्यू में क्या होता है फाइल मेन्यू कंटेन्स ऑल द ऑप्शन रिलेटेड टू द ओपन फाइल अगर कोई भी फाइल हमारी खुली हुई है तो उसके सारे ऑप्शन जो होंगे इसमें क्या क्या हो रखा है ऑलरेडी वो किसमें अवेलेबल होगा वो हमारे फाइल मेन्यू में हम चेक कर सकते हैं क्या चेक कर सकते हैं हम कि उस फाइल में कितने पेजेस हैं उसमें कितने वर्ड्स यूज हुए हैं उसको कितनी बार एडिट किया गया है ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कहाँ पर फाइल मेन्यू में कहाँ पर फाइल मेन्यू में अब फाइल का ऑप्शन कहाँ है ये ब्लू ब्लू जो रहा है ये क्या है ये है हमारा फाइल का ऑप्शन क्या है ये ये है हमारा फाइल का ऑप्शन फाइल में हमने क्या चूज किया फाइल में हमने चूज किया इन्फो क्या चूज किया इन्फो ये फाइल का ऑप्शन कहा आएगा हमने देखा था ऑफिस बटन क्या देखा था हमने ऑफिस बटन हमने देखा था ऑफिस बटन में अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या आएगा वहां पर फाइल आ जाएगा क्या आएगा वहां पर फाइल आ जाएगा उसके बाद हम क्लिक करेंगे इन्फो पे और इन्फो में हम क्या देख सकते हैं जो भी अगर कोई फाइल ओपन है हमारी तो उसके हम सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं हम देख सकते हैं अगर उसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं कि मैंने जो फाइल क्रिएट करी है उसको कोई भी कॉपी ना कर पाए या उसमें कोई भी चेंजेस ना कर पाए तो मैं क्या कर सकती हूँ हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा उसमें उसकी पेजेस की साइज़ क्या है डॉक्यूमेंट्स क्या है वर्ड्स क्या है उस पर कितनी एडिटिंग टाइम्स को कितनी बार एडिट किया गया है टाइटल क्या है टैग्स क्या है उसमें किसी ने कोई कमेंट अगर छोड़ा है तो वो कमेंट्स क्या है वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं किसी भी फाइल के बारे में इफ़ कोई फाइल हमारी ओपन है तो ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं फाइल मेन्यू में जाके हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं समझ आई बात और हम क्या देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि इसको लास्ट मॉडिफाई कब किया गया था यहाँ पे रिलेटेड डेट्स हमारे पास अवेलेबल है रिलेटेड पीपल भी हमारे पास अवेलेबल है कि किस ऑथर कौन है इस फाइल को क्रिएट किसने किया था उसके बाद जिसने एडिट किया वो लोग कौन कौन है तो वो सारी चीजों की डिटेल हमें इसमें मिल सकती है कहां पर फाइल मेन्यू में अगर हम इनफो पर क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल जो ओपन है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी क्लियर अब देखते हैं स्टेप्स क्या क्या है इफ हमें कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है सपोज हम न्यू लर्नर है हमने क्या करा एमएस वर्ड हमने पहली बार देखा है राइट right?

टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट से वो स्टार्ट होगा और लिखेंगे कहाँ पे हम डॉक्यूमेंट एरिया में रिमेनिंग एरिया क्या था पूरा व्हाइट स्क्रीन जो थी हमारी वो क्या था पूरा वो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया था द टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट इज द प्लेस वेयर द कर्सर स्टैंड्स टेक्स्ट कर्सर कहाँ पे होगा हमारा हमारा कर्सर होगा टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट पे जहां से क्या होगा हम लिखना स्टार्ट करेंगे एंड डॉक्यूमेंट एरिया इज द प्लेस वेयर वी कैन टाइप आर टेक्सट और डॉक्यूमेंट एरिया में हम क्या करेंगे जो भी टेक्स्ट हमें टाइप करना है वो पूरा हम कहाँ करेंगे वो हम डॉक्यूमेंट एरिया में टाइप करेंगे वाइल टाइपिंग टेक्स्ट इट इज एडवाइजेबल टू यूज द टैब की इंस्टीड ऑफ स्पेस बार हम क्या करें ये क्या बोल रहे हैं स्पेस बार की जगह हम क्या यूज़ करें टैब का यूज करें टैब क्या है टैब भी एक की होती है कीबोर्ड के ऊपर इससे क्या होगा इससे जब हम इसको क्लिक करेंगे स्पेस की जगह स्पेस बार की जगह हम अगर इसे यूज करते हैं तो क्या होगा जो गैप्स हम देते हैं एक वर्ड कंप्लीट होने के बाद सेकंड वर्ड के बीच में जो गैप हम देते हैं वो क्या होगा वो यूनिफॉर्म होगा मतलब सब जगह एक्यूरेटली जो गैप्स हैं वो हमें हमें दिखाई देंगे तो स्पेस बार की जगह क्या यूज करना है स्पेस बार की की जगह हमें का यूज करना है किसका टैप की का हमें यूज करना है फॉर इंसर्टिंग मोर देन वन स्पेस बिटवीन वर्ड एज इट विल प्रोवाइड यूनिफॉर्म स्पेसिंग ये क्या प्रोवाइड करेगी हमे? हमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग हमें प्रोवाइड करेगी समझ आई बात

प्रोसीजर क्या है क्लिक ऑन फाइल मेन्यू हमें क्या करना है फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड सिलेक्ट ओपन और जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस ओ ये क्या है कंट्रोल प्लस ओ इसका क्या है शॉर्टकट की है शॉर्टकट की मतलब अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कंट्रोल के साथ अगर आप ओ प्रेस करेंगे तो भी क्या होगी आपकी फाइल ओपन हो जाएगी क्या होगी आपकी फाइल ओपन हो जाएगी अ विंडो विल पॉप अप लोकेट योर फाइल इन द कंप्यूटर एंड क्लिक ओपन बटन सेफ इस पर हम किस पर क्लिक करेंगे ओपन बटन पे हम क्लिक कर देंगे